ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर भाई फ्रैंकलिन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। समझ लो अगर वो वाला काम इसने नहीं करा तो भाई इसको या तो हमेशा हमेशा के लिए जेल हो जाएगी, मतलब कि फुल लाइफ जेल हो जाएगी, या फिर इसको मार दिया जाएगा। अब वो क्यों, तो भाई आपको पता होगा कि माइकल ने प्राइम मिनिस्टर की मर्सिडीज बेंज चुराकर इसको गिफ्ट कर दी थी अपने फ्रैंकलिन को। लेकिन यहां पर भाई पुलिस ने इस मर्सिडीज को डिटेक्ट कर लिया। वो कैसे भाई, इस मर्सिडीज के अंदर एक GPS लगा हुआ था जिससे कि उन्होंने लोकेशन पता कर लिया है। अब पुलिस वालों ने इस पूरे एरिया में नाकाबंदी कर दिया है। अब वो थोड़े टाइम में मतलब कि चेकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, सबके घरों में जा के चेक कर रहे हैं, सबके गैराज चेक कर रहे हैं कि गाड़ी अगर मिल गई, और जिसके घर में मिली भैया वो बंदा तो जाने वाला है। तो भाई आप देख लो, गाड़ी हमारे ही घर में खड़ी हुई है। अगर पुलिस वालों ने हमें ढूंढा और हम फंसे तो भाई कसम से बहुत गंदी, या तो जेल हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, या फिर मार देंगे। अब पीछे आप देख लो भैया, गाड़ी तो खड़ी हुई है हमारी, लेकिन एक दिक्कत की बात है ना, गैराज बंद नहीं होता जब ये गाड़ी खड़ी होती है, मतलब गाड़ी की तो बहुत लंबी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यार कितने एरिया में नाकाबंदी हुई है, ताकि हम गाड़ी को ना यहां से लेकर भाग जाएं। और गाड़ी को अगर मैं एक बारी मॉडिफाइड करवा दूंगा, यानी कि कलर चेंज करवा दूंगा, या फिर गाड़ी में ऐसा कोई काम करवा दूंगा, GPS रिमूव करवा दूंगा, तो हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। तो वो काम मैं यहां पर बैठ के नहीं कर सकता, ना गाड़ी में कलर कर सकता हूं, ना GPS रिमूव करवा सकता हूं। तो उस काम के लिए सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा मॉडिफिकेशन की शॉप पर, जहां पर हम गाड़ी का कलर चेंज करवा देंगे, इससे GPS वगैरह रिमूव करवा देंगे। तो यार आप देख पा रहे हो सामने की तरफ पुलिस वाले कैसे खड़े हैं। फिलहाल ये फ्रैंकलिन को भी पहचानते नहीं है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है पुलिस वाले को आगे जाने से। तो मैं एक बारी बस देखने आया हूँ कि कहाँ कहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। तो यहाँ पर इनको एरिया पता चल चुका है, तो इन्होंने ये वाला एरिया जो है पूरा ब्लॉक कर लिया है। एक पुलिस वाला इधर खड़ा है, एक गाड़ी इधर खड़ी हुई है, मतलब कि भाई साहब क्या ही सीन हो रखा है। तो मैं अपनी मर्सिडीज इस वाले रोड से तो नहीं निकाल सकता, एक बारी मैं पीछे वाला रोड देख कर आता हूँ, क्योंकि पीछे वाले रोड से इतना आना जाना नहीं होता। क्या पता वाला रोड ओपन हो, भाई हो सकता है कि वाला रोड ओपन। ओ भाई 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 नहीं, ये वाला रोड भी यहाँ पर इन लोगों ने बंद कर रखा है। ठीक है, मतलब कि यार हम यहाँ से भी नहीं जा सकते। और ये ऐसे बंदे अगर इन्होंने बाय चांस मर्सिडीज देख ली, क्योंकि भाई ये लोग पहचानते हैं कौन सी गाड़ी है, तो भैया सीधा मेरे को पकड़ के ले जाएंगे थाने। थाने तो नहीं, मतलब कहीं भी ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं यार दो ही तो रस्ते हैं वैसे यहाँ से निकलने के, वो भाई कहाँ से जाया जाएगा बाहर, अगर मैं बाहर नहीं ले गया। अब आप सब लोग सोच रहे हो कि भैया गाड़ी अंदर ही खड़े रहने दें, लेकिन नहीं यार, चेकिंग वेकिंग शुरू हो गई ना, और बाय चांस किसी पुलिस वाले ने देख लिया, क्योंकि राउंड वाउंड तो लगा ही रहे हैं। तो भाई एक ये सीक्रेट रास्ता है, लेकिन भाई ये रास्ता भी घूम फिरा के यहीं पर आ जाएगा। तो हमें एक ढंग का रास्ता ढूंढना है जहाँ से हम सीधा निकल जाएं। ओके, तो भाई लाइन से सबकी चेकिंग हो रही है, तो फिलहाल ट्रैम जा रही थी, तो इसी बहाने ओहो एक रास्ता ये भी है, लेकिन यहाँ पर भी शायद आगे खड़ा हुआ है पुलिस वाला। भाई कहाँ से जाया जाएगा यार, सारे रोड इन्होंने बंद कर दिए इस एरिया के, उनको ये एरिया पता चल चुका है, लेकिन एक करेक्ट घर की लोकेशन नहीं पता चली उन्हें। तो वो एक के बाद एक सारे घर को चेक करेंगे कहाँ पर इन्होंने गाड़ी खड़ी करी है। ओ भाई साहब, इस रोड में भी दो दो गाड़ियाँ लगी हुई, ओ पीछे 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 पीछे। वैसे मेरे को क्या डरने की बात है यार, मेरे को थोड़ी कुछ कहेंगे, अभी गाड़ी को पकड़ना है उन्हें। तो मेन भाई यहाँ तो दो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ओके, एक वो देखो बीच रोड में भी एक खड़ा हुआ है भाई। ओके, मैं बीच रोड वाले को देख कर आता हूँ, देखते हरकत है क्या। भाई इनकी पूरी नज़र बस गाड़ियों पर इस टाइम। ओके, तो उधर भी एक खड़ा हुआ है मेन रोड पर, एक इधर भी खड़ा हुआ है, एक पुलिस वाला इधर भी खड़ा हुआ है। भाई साहब मतलब कि कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ओ ओ ओ, इस वाले रोड पर कोई भी नहीं है, एक सेकंड। ओ भाई 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 भाई, इस वाले रोड पर तो कोई भी नहीं है, ये सही है यार। अब हम यहाँ से, लेकिन यार पीछे पीठ मुड़ के अगर इन्होंने देख लिया तो मैं तो फंस जाऊँगा। अगर उन्होंने पीछे घूम कर देखा तो भाई मैं बहुत ही बुरा वाला फंसने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, हम अपनी गाड़ी को अब निकालते हैं। भाई मेरे को बड़ा डर लग रहा है, अगर क्योंकि पुलिस वालों ने देखा तो हम गए हैं भाई, सीधी बात है। तो ये रही हमारी मर्सिडीज बेंज। तो भाई एक बारी बस इस गाड़ी का ना कलर चेंज करवाना और उसे GPS रिमूव करवाना, सारा काम हो जाएगा, गाड़ी वो पूरी लाइफ के लिए अपनी हो जाएगी। ओके, तो भाई बहुत डर लग रहा है इस गाड़ी को ले जाने में, मेरे को तो मन कर रहा है कि पड़े रह दूँ, लेकिन अगर पड़े रह दूंगा तो पुलिस वाले वैसे ही इसे ढूंढ के ले जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। तो यहाँ पर हम गाड़ी चुपचाप से निकाल रहे हैं, लेफ्ट वाले रोड से मैं नहीं जा सकता, यहाँ से देख ना ले वो लोग। तो मेरे को यहाँ पर वैसे जाना तो पीछे में ही है, तो एक बारी मैं पहले अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूँ। एक तो गाड़ी भी इतनी बढ़िया, मतलब कि यार बंदा नहीं भी देखना चाह रहा होगा ना तो भी दिख जाएगी उसे। तो यहाँ पर गाड़ी तो वैसे बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत तगड़ा है। ओके, पुलिस वाले बोल रहे हैं, अंदर कर लेता हूँ जल्दी से, देखा तो नहीं ना, हाँ बस आगे भी पुलिस वाले हैं। तो मैं एकदम बिना साउंड करे चुपचाप ले जाऊंगा अपनी गाड़ी को, क्योंकि उनका सारा ध्यान अभी रोड पे है, उनको नहीं पता कि भैया जो मेन एक्सपर्ट आदमी है वो पीछे पतली पतली गलियों से निकल सकता है, तो इनका इतना ध्यान नहीं है। मैं चुपचाप निकाल लेता हूँ अपनी गाड़ी को। ओके ठीक है, मैंने चुपचाप निकाल लिया, इन्होंने भी नहीं देखा। अब बस मुझे आगे वाले कट से राइट ले लेनी है। तो भाई यहाँ पर स्टार अपने आप लग चुका है, ये क्या बात हुई। ओ भाई
क्या मैं इस वाली रोड पर क्यों आ गया हूँ? एक सेकंड मैं अपनी चुपचाप गाड़ी मोड़ लेता हूँ। भाई पुलिस वाले पीछे पड़ना शुरू हो गए मेरे, ये अब थोड़ी देर में बस मारने वाले हैं। मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। भाई पुलिस आने लग गए, भाई पीछे गाड़ी छीनने आ रही है वो मेरे से। ओ भाई टू स्टार पुलिस कैसे लग गई? ओ इन्होंने तो गाड़ी देखी भी नहीं। भाई ये पुलिस कैसे पीछे लग गई है? भाई मैं वापस जा रहा हूँ घर में, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ही गलत वाली। ओ भाई भाई ओ भाई 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 एक सेकंड ये नहीं छोड़ने वाले भाई। अब ये लोग नहीं छोड़ने वाले। सामने से भी पुलिस आ रही है, पीछे से भी पुलिस है। भागने को तो मैं भाग सकता हूँ, लेकिन यार ऐसे स्टार्स बढ़ते चले जाएंगे, मैं जितना भागूंगा उतनी पुलिस मेरे पीछे आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, रुक जाओ। अगर मैंने गाड़ी इनको दे दी तो मैं बच जाऊँगा शायद। इनको मेन गाड़ी चाहिए ना यार, तुमको मेन गाड़ी चाहिए ना? वैसे मैं चाहूँ तो इन्हें इनसे भाग सकता हूँ, अपनी गाड़ी छुपा सकता हूँ, लेकिन यार फिर से लोकेशन डिटेक्ट कर लेंगे। GPS लगा कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं गाड़ी फोड़ दूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी फोड़ दूंगा तो भाई फिर मेरे को गाड़ी भी चाहिए। यार क्या करूँ, गाड़ी दे दूंगा इन लोग को, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं गाड़ी भगाने पे आ गया ना भाई, इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी मेरे को पकड़ने में। ओ भाई हेलो, मेरे को पहले थोड़ा सा भागना पड़ेगा। ओह ये पुलिस वाला मारना नहीं चाह रहा, ये देख रहे हो, मारना कोई नहीं चाह रहा मेरे को, गाड़ी को कोई डैमेज नहीं करना चाहता। मेरे पे एक आइडिया, एक काम करते हैं, गाड़ी इनके हवाले कर दी जाएगा गाइस। इनके हवाले कर दूंगा तो यार फिर गाड़ी मेरे यहाँ से चले जाएगी पूरी तरह। बस ये मेरे को छोड़ देंगे ना यार, क्योंकि गाड़ी तो माइकल ने चुराई थी, फ्रैंकलिन ने थोड़ी, फ्रैंकलिन तो बस चला रहा है यार। भैया कुछ कहोगे तो नहीं? तो चलो यार ये जो गाड़ी है इनके हवाले कर ही देते हैं फाइनली। और यहाँ पर एक गन्स मत मारना भाई। मैं क्या, ओके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। इनकी फाइट और किसी से भी हो गई क्या भाई? अच्छा पुलिस वाले यहाँ पर लगे हैं तो और गुंडे निपटा रहे हैं। और ये कहाँ लेकर, ओके तो गाइस मेरे को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये मेरे को अब लेकर जा रहा है भाई साहब। ओके तो यार मेरे को जेल लेकर जा रहा है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है, या फिर पहले पता नहीं कोर्ट में ले जाएगा या फिर डायरेक्ट प्रिजन ले जा रहा है। तो भाई क्या कितनी धीरे चला रहा है यार, ये अगले साल पहुँचाएगा यार, मतलब अजीब सा लग रहा है। मैं बहुत तेज चलाता हूँ ना, बाकी मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पर फ्रैंकलिन का क्या हाल लेने वाला है। मेरे को तो लग रहा था कि मैं गाड़ी उनके हवाले करूँगा और वो लोग मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन यार यहाँ तो अलग ही सीन हो गया भाई। ये तो मेरे को सीधा पकड़ कर ही ले जा रहा है भाई, मतलब सीधा प्रिजन यार, डायरेक्ट ही प्रिजन भाई। एक बारी पहले कोर्ट वोट ले जाते, पता करते गाड़ी किसने चुराई है। मेरे को तो लगा माइकल पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया भाई, फ्रैंकलिन को ही ले जा रहे हैं। कहेगा भैया तू नहीं गाड़ी चुराई है, तू ही जेल काटेगा। ओके भाई गाड़ी देख लो कितनी धीरे चला रहे हैं, खरोच तक नहीं आएगी किसी की गाड़ी पे। ओके तो भाई आखिर ये भी पुलिस वाले सारे, वाह बोलते ही खरोच आई है। रेड लाइट की वजह से नहीं चला रहा भाई ये, वो तेरी। अबे यार कितनी दूर है तुम्हारा ये प्रिजन? मेरे को तो लग रहा है ये एक दो साल बाद ही पहुंचाएगा यार। मेरे को खुद बोल देते मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाता अभी तक, वहीं पर बात बात कर लेते। ये एम्बुलेंस क्यों आ रही है पीछे? मारेंगे क्या? फिर हॉस्पिटल भेज देंगे लगे हाथ, कहेंगे जाओ ठीक भी हो जाओ। तो भाई लग रहा है कि जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक हमारी बेल भी हो चुकी होगी, मतलब कि जो हमारा जेल का टाइम है ना, जैसे 2 साल का होगा 4 साल का होगा, तो ये बंदा जब तक पहुँचाएगा ना तब तक 4 साल बीत चुके होंगे। पता चला कि वहाँ जाकर पता चला हाँ भाई छुट्टी होगी जेल से, तुम्हारी घर जाओ। तेज चला ले भाई, क्या बोलूँ भाई अब इस बंदे को। और ये कौन सी जगह है यार? इस जगह पर मैं कभी नहीं आया। यहाँ पर क्या है? ये पाइप्स आ रखे हैं, शायद वाटर का कुछ सीन होगा यहाँ पर। चलो बढ़िया जगह, कभी आकर देखेंगे यहाँ पर क्या सीन है। बाकी यार मेरे ताऊ तेज चला ले यार, क्या बोलूँ भाई, मेरे को ड्राइव करने दे, तू पीछे बैठ जा, जेल ही चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ये और एक एम्बुलेंस वाले ने दिमाग खराब कर दिया, सायरन बजा बजा के। मतलब यार सायरन बंद कर लो, खाली रोड पड़ा है फिर भी बजाए जा रहे हैं। भाई मेरे भाई कहाँ ले जाएगा यार, यहीं छोड़ दे मेरे को, मैं जा रहा हूँ घर। भाई साहब पता नहीं कहाँ ले जाना चाहता है, गाड़ी में घुमा रहा है बस ये। ओहो आ गया जेल, आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। ओह भाई क्या हो गया, इतनी का गुस्सा चढ़ गया तेरे को? ओके तो ये हमें जेल में ले आया और काफ़ी रात हो रही है। ओके भाई साहब ये तो सच्ची में ही जेल ले आया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके यहीं उतार दे, अभी गाड़ी से पहले ठोकेगा थोड़ी सी, गाड़ी घिसेगा। नहीं नहीं घिसी नहीं घिसी, समझदार है वैसे। ओके तो इसने हमें उतार दिया है, चलो मैं बाहर जा रहा हूँ। अबे आगे ही जाना लग रहा है। ओके तो अभी मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही जा रहा है। ओके तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। भाई साहब जेल में छोड़ दिया इसने हमें यार, गलत बात है। ओके तो अभी हम आ चुके हैं जेल के अंदर, मतलब ये जेल तो नहीं है भाई यहाँ। ओए यहाँ तो बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। ओ ई चलो
अब मेरे को लगा कि मैं अकेले कमरे के अंदर बंद हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो भाई साहब खुला मैदान है। ये अब आया ना मजा। ओहो सिगरेट चल रही है, ले तेरी भैंस की लांग। आइए दोस्त मिल गए। ओके तो ये भी भाई सिगरेट विगरेट फुल चल रही है यहाँ पर तो। ओए तो भाई क्या हो गया? अबे भाई दोस्ती यारी, अबे खुशी हो रही थी जेल में आने की यार, तुम क्या बताओगे, तो मारने लग गए। हेलो सर, मेरे को मारना मत, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके अबे ये क्या बदमाश है तू कहीं का? पता भी है। ओए भाई ये भी थोड़े बहुत बड़े बदमाश है भाई, डर नहीं रहे बिल्कुल, वरना बंदे होते एक कात को तो लपेटूंगा। चले जा बेटा भी मारूंगा। हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ, सफेद टोपी है ले रहे अट्टा मुँह पे भाई हल्के में ले रहे हमें तो। ओके तो ये तेरी भैंस की दूर हो साले, गाड़ी चुराने के चक्कर में अंदर आया, वो भी प्राइम मिनिस्टर की। कोई छोटा मोटा जेलर नहीं हूँ मैं, बहुत बड़े लेवल के जेलर हैं हम। ऊपर आ रहे, आ जा बेटा तेरे को छत पे ही कूटूंगा, आ जा। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, तेरे दोस्त यार आ जा आ जा आ जा। भाई अभी 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 आया हूँ मैं जेल में। ओ भाई कितने जेल में रह रहे के, शक्लें देखो तुम अपनी, शक्लें देखो जेल में रह रहे के। नीचे ओए तेरी भैंस की टा, नीचे चल नीचे चल भाई। मैंने जेल अभी तक ढंग से पूरा देखा भी नहीं कैसा, और लड़ाई शुरू होगी, मतलब जेल में एंटर हुआ लड़ाई शुरू। ओके तो अभी मैं पहले पूरा जेल देखता हूँ, और बेचारे दो कैदियों को मैंने बिछा दिया है किसी बहाने। और ये कौन है? ये सिक्योरिटी गार्ड से शायद। ओके हेलो सर, हेलो कितनी प्यार से बोल रहा, बढ़िया बंदा है। ओके तो ये क्या नशे कर कर खड़ा हुआ है बेचारा? खड़े होकर सो रहा है यार, इनकी लाइफ बहुत बुरी है यार, बेचारे फंसे पड़े हैं जेल के अंदर। लेकिन यहाँ से मैं निकलूँगा कैसे बे? ओके तो रात भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, बेचारे सबको मार दिया भाई मैंने यहाँ पर आके, पूरे बेंचेस दे रखे हैं मैं यहाँ पर बैठने के लिए, बास्केटबॉल भी खेलने के लिए दे रखा है यार, ऐश है वैसे यहाँ पर भी, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, लेकिन खेल नहीं सकते यार, बना सब रखा है ना बास्केटबॉल है ना कुछ है। शायद कोई दिन आता होगा जिस दिन खिलाते होंगे, कोई डेली नहीं खिलाते होंगे, पता नहीं क्या सीन है। और बाकी कुछ बंदे अंदर जिम कर रहे हैं यार, मेरे को भी जिम करना है यार। ओके तो भैया हम एक बार जिम के अंदर चलते हैं, इन्होंने यहाँ पर एक जिम भी बना रखा है, और देखते हैं इस जिम के अंदर हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी सही है, लेकिन यार हम इसे यूज़ ही नहीं कर सकते। वो भाई क्या पैसे वैसे लगते हैं? तो ले लो भाई, पैसे की कमी थोड़ी है। तेरी भैंस की टांग मेरे, बता कैसे यूज करते हैं। ओए 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 क्या हो गया? ओए ओ भाई ओ मारना मत, ओए मारना मत, मैं जा रहा हूँ भाई, मारना मत मेरे को, वैसे इतनी हेल्थ मेरी कम है यार, मुझे यहाँ से निकलना है भाई, मैं बोर हो गया इस जगह से, सच्ची बता रहा हूँ। कैसे जाते हैं बाहर बता दे यार, यार कोई तो बताओ। ओके तो यहाँ पर हम ऊपर तो जा ही सकते हैं ना, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, जा सकता हूँ अंकल जी ऊपर? हाँ जी हटना साइड होना भाई, उस पर गन है। ओ शिट शिट शिट, मारियो मत मारियो, सॉरी भाई जान निकाल दी इसने तो। मेरे पे गन्स भी नहीं है ना यार, इन्होंने गन्स भी छीन ली। फोन, ओए फोन है अपने पास, फोन है फोन है फोन है फोन है, बड़ी सही चीज है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से माइकल को कॉल लगा देता हूँ, रुक जाओ माइकल को कॉल लगाते हैं, वही अपनी हेल्प करेगा आके। अबे कट कैसे गई कॉल? तो यार मैंने माइकल को फोन लगा दिया, वही है का बंदा है जो ऐसी हेल्प कर सकता है हमारी। Hey Mike, it's me. Okay. You doing anything? You wanna hang out? Yeah, cool. Good. I'll see you soon, man. अबे फ्रैंकलिन गधैया बात कर रहा है हैंगआउट की, उसको कह रहा है कहीं मिलने आ रहा है, मतलब कि भैया तू जेल में अटका हुआ है और उसको मिलने बुला रहा है कहीं, तो चल ले फिर मिलने। भाई बाहर निकलने का यहाँ से रास्ता नहीं है, अब एक बार मैं रास्ता तो ढूंढ के रहूँगा यार, मुझे आज के आज यहाँ से बाहर निकलना है, वरना भैया अपनी तो ज़िंदगी यहीं बीत जाएगी। नहीं भाई क्या गलत कह रहा हूँ क्या यार मैं? एक तो नहाते भी नहीं है ऐसे खड़े हुए, जान भी नहीं बची यहाँ के बंदों में, टक्कर खाते ही गिर जाते बेचारे। ओके तो ये वाली जगह अलग है, इसके ऊपर चलते हैं, इस वाले अपार्टमेंट के बिल्डिंग अपार्टमेंट है, जो भी अपार्टमेंट तो नहीं है वैसे, बट ऊपर चलते हैं हम, देखते हैं कोई रास्ता हो पीछे निकलने का। ओके वो मैं तो बाहर हो जाऊंगा यहाँ से आराम से ये भाई ये वही दिमाग लगा दिया। ओ बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगती है चोट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम बाहर निकल जाएंगे यहाँ से सीधा खेतों में। लेकिन यार यहाँ पर तो एक और है। ओ भाई अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक और वो बना रखा है भाई, ऐसे नहीं जा सकते हम बाहर। बाकी यार ये वाले में यहाँ से भी कोई बाहर कर, ओके 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 ये रास्ता आया बाहर का, जहाँ से हम एंटर हुए थे वो वाले रास्ते पर मैं आ चुका हूँ अभी, अगर मैं इस रास्ते पहुँच गया तो मैं बाहर हो जाऊँगा यहाँ से। तो ये सामने वाले गेट जो है मेरे हिसाब से खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये वाले खुल गए तो हम तो डायरेक्ट बाहर ही हो जाएंगे ना। देखते हैं, हाँ ये वाले गेट हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे, मेन एंट्री यहाँ से होगी।
तो यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं, देखते हैं कोई पुलिस वाला में कुछ बोले ना। ओके, तो एक गेट ये वाला भी है, ठीक है। अब ये खुल जाए बस, हम यहाँ से निकल लेंगे। बस खोलो बे, बस खोल दो कोई। अरे यार नहीं खुलेंगे वाले भाई, हमें यहाँ से छुप के ही भागना पड़ेगा, वरना और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये वाले गेट खुलेंगे ना? हाँ ये वाला तो खुलेगा यार, लेकिन अब मेन जो एग्ज़िट है ना वो यहाँ से है, अदरवाइज़ कहीं से भी नहीं है। इस पूरे जेल में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएं। कोई सुरंग वुरंग नहीं है क्या यार, नीचे से घुसते हुए अपना बाहर हो जाएं हम? तो भाई अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैं यहाँ पर जितने भी जेलर हैं ना सबको मारने वाला हूँ एक एक करके। तेरी ऐसी की तैसी साले, जेल के अंदर मैं कैसे आया हूँ जेल के अंदर, तुम्हें पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर जेल के अंदर हमें अपना नाम बनाना है बदमाशी कर करके। इधर आ साढ़े भाग के साले डर के, तेरी ऐसी की तैसी, सबको मारूंगा मैं, सब पिटेंगे भाई। यहाँ पर पुलिस वाले हमें कुछ नहीं कहने वाले, यहाँ जितनी मर्जी लड़ाई करो भाई, सब पिटेंगे। पटाई पट गिनते जाओ बस कितने बंदे। ओए ओ भाई तुम भी मारते हो क्या? रुक जाओ, पीछे पीछे, पहले सबको मारने का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। पर हर बंदे के घूसा पड़ना चाहिए, अपना जेल के अंदर नाम हमें चाहिए तो सबके घूसा देना पड़ेगा। आजा बेटा तू भी ले। ओहो हो, इसके थोड़ा गलत जगह दे दिया। ओके सिगरेट पिएगा तू? सिगरेट प्रोवाइड कौन करवा रहा है ना जेल के अंदर? कोई बाहर का ही बंदा है, उसी रास्ते से बाहर भी निकल लेंगे या फिर कोई बाहर से लेकर आता होगा, जो भी है। ओ तेरी है बदमाश बनेगा, जरा तेरी घूसे ही घूसे दूंगा अब इसके तो। भाई बहुत ताकतवर बंदा था ये पक्का ही बदमाशी के केस में अंदर आएगा। ओ भाई सबको मारूंगा मैं, रुक जाओ। यही था ना ताकतवर, तू ही था ना ताकतवर। तो भाई यहाँ पर तो गोलीबारी शुरू हो गई, मतलब कि ये बंदा सामने वाले बंदे को मार रहा है। इधर आ साढ़े, किससे पूछ के मार रहे उन्हें है? इधर आ गंदे, मेरे को गंदे, जल्दी गंदे मेरे को। पहले तो मेरे को बाहर निकलना है यहाँ से, गन चाहिए उसके लिए। मेरे को गन आ गई मेरे पे, ओके गन आ गई है। अब मैं करूँगा यहाँ पर तबाही। भाई साहब सब भाग गए, इसने गोलियाँ चलाना जो शुरू करी है ना इस वजह से। अब यहाँ पर मैं सारे गार्ड्स को मारूंगा जितने भी खड़े थे यहाँ पर। कहाँ पे बाहर निकलो? अब तुम्हें मैं बताता हूँ असली बदमाश कौन है इस जेल का। अब मैं बाहर तो निकल के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए पूरा। ओए सायरन बज रहा है, सायरन किस बात का बज रहा है? ओके एक गार्ड हो रहा, इसको मैं यहीं से निपटा देता हूँ। चलो इसके पास भी शायद गन मेरे को मिल जाएगी। ओए ओ लेट के गोली चला रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, लेट के गोली चलाएगा। चलो इसके पास से हमें और एमो मिल गई इस गन की। भाई साहब अब आएगा असली मजा जिंदगी का, तुम हमें मारोगे? इनको ये जानते नहीं हम कितने बड़े बदमाश है, कितनी स्नाइपर चलाई थी हमने गाड़ी चुराने के लिए। हल्के में ले रहे हैं ये लोग अभी हमें, पूरा जेल खाली करवा दूंगा। ओके एक वोरा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। लेट के भी मारते हैं ना ये लोग, एक आध गोली, रुक जाए इसको तो और मारूंगा मैं। भाई कोई पुलिस भेजो भाई, तो ऊपर और दो बंदे हैं। ये स्कोप से कहाँ देख रहा बेटा तू? तुम्हारी आँखें ही नहीं छोड़ूंगा देखने लायक, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने गलत बंदे को डाल दिया जेल में, अभी इन्हें पता चलना चाहिए इनका एडमिशन, मतलब कि इन्होंने गलत बंदे का एडमिशन कर दिया जेल में। अभी रुक जाओ बेटा, सबको कूटा जाएगा। हाँ जी ऊपर क्या कर रहे हो? पड़ी ना गोली। तो भाई अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि जितना भी जेल था पूरा एकदम सर्कल टाइप का जेल है और पूरा एरिया मैं चेकआउट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ से कोई भी एस्केप नहीं है। मतलब कि अगर निकलना है तो वो एक ही गेट है और कोई बेसमेंट भी नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई हेलीकॉप्टर खड़ा होगा कि मैं उड़ के निकल जाऊँ, और ना ही कोई नीचे से रास्ता है। गेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है एग्जिट का, लेकिन मैं वहाँ से कोई जुगाड़ नहीं कर सकता कि वहाँ से मैं टाप के निकल जाऊँ। भाई वो पूरा गेट बंद है और वहाँ पर कोई भी ऐसा पुलिस वाला भी नहीं खड़ा कि जो रिस्पॉन्स करे। बस एक गेट है जो कि पूरा इतना बड़ा गेट है कि टाप के भी नहीं जा सकते और वो बंद हो रखा है। और यहाँ पर जेल के अंदर जितने भी बंदे थे सबकी ऐसी तैसी मैंने कर दी है, कोई भी फालतू मेरे को बोलने वाला नहीं बचा। मतलब जो भी बोलेगा कुछ नहीं करना, बस कट्टा निकाल के यूँ दिखा देना बंदे साइड। अब जितने भी जेलर थे डर के मारे बेचारे छतों पे चढ़ गए, मतलब इतना खौफ फैला दिया पहले घंटे में ही। तो चलो यार देखते हैं आगे क्या होता है, फ्रैंकलिन जेल से कैसे बाहर निकलता है वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो गेम प्ले जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को यार लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आज के वाला जो गेम प्ले था आपको कैसा लगा। और जो भी चैनल पर नहीं हुआ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक तो कर ही दोगे। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से आकर फॉलो कर लो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।